राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। दादाजी कुक्कू की कहानी का भाग पहला सुनाएंगे। आलेख अशोक गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई आज दादाजी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत कहानी लेके आए हैं, तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। आइए दादाजी। कुकड़ों को भाई कुकड़ों को, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को, कुकड़ों को कुकड़ों को, मुन्नू जागो चुन्नू जागो, हुआ सवेरा कुकड़ों को, कुकड़ों को, कुकड़ों। दादाजी राम राम। अरे राम 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 राम। अब बच्चों राम राम। क्यों भाई सब बच्चे जाग रहे हैं या नहीं? प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम्हें मालूम है कि मैंने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं। उन पक्षियों में कुछ मुर्गे और मुर्गियां भी हैं। जानते हो बच्चों, आज सुबह 4 बजे मेरे कमरे की खिड़की पर एक मुर्गा आ गया और बोला, दादाजी आप रोज बच्चों को कहानी सुनाते हैं, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे मुर्गे ने कहानी यूं सुनाई। एक था चूजा। चूजा जानते हो किसे कहते हैं? बोलो। दादाजी मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ तो मैं कह रहा था कि एक था चूजा। क्या था? चूजा। हाँ उसका नाम था कुक्कू। क्या नाम था भला? कुक्कू। हाँ उस चूजे को अपना रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि उसके पंख बड़े मुर्गों की तरह रंग बिरंगे हों, सिर के ऊपर लाल रंग की कलगी हो, पीले पैर और रंग बिरंगी दुम हो। उसे अपने सफेद शरीर से चिढ़ थी। एक बार उसने ये बात अपनी माँ से कही तो माँ ने समझाया, बेटा ऐसा रंग बिरंगा शरीर अभी नहीं बड़े होने पर बनेगा। तुम्हारे बराबर के जितने भी चूजे हैं उन्हें देखो, किसी के भी कलगी नहीं है और बड़ी दुम भी नहीं है। खैर किसी तरह मन को समझाकर अब वो बड़े होने का इंतजार करने लगा। लेकिन बच्चों उसे दूसरे मुर्गों के सिर पर उठी लाल कलगी से बहुत चिढ़ होती थी। वो चाहता था
कि जब तक उसके सिर पर लाल कलगी ना हो तब तक दूसरे किसी भी मुर्गे के सिर पर लाल कलगी ना हो। दादाजी कलगी क्या होती है? मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, मुर्गे के सिर के ऊपर जो लाल लाल दिखाई देता है उसे कलगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलगी। हाँ, अच्छा तो मैं कह रहा था कि वो चूजा ये चाहता था कि जब तक उसके सिर पर लाल कलगी ना हो तब तक दूसरे किसी भी मुर्गे के सिर पर लाल कलगी ना हो। जब वो दूसरे किसी मुर्गे के सिर पर लाल कलगी देखता तो गुस्से के मारे उसे चोंच मारता और अपने पंजों से उसे नोचता। भाई उसकी इस गंदी हरकत से सभी परेशान थे। दो बच्चों, एक दिन सुबह जब कुक्कू सोकर उठा तो उसके मन में आया कि अब वो बड़ा हो गया है और इसलिए उसका शरीर भी बड़े मुर्गों की तरह रंग बिरंगा हो गया होगा। अब वो अपनी कलगी का रंग किससे पूछे? उसे एकदम याद आया कि पास में ही उसकी नानी का घर है। वहां चलकर नानी या नाना, मामा या मौसी किसी से भी पूछा जा सकता है। अब वो कदम बढ़ाता हुआ जल्दी 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 नानी के घर पहुंचा। कहां पहुंचा? नानी के घर। हां, घर पहुंचने पर सबसे पहले उसे अपनी मौसी दिखाई दी। देखते ही कुक्कू ने मौसी की आंखों के पास अपना सिर ले जाते हुए कहा। क्या कहा? ताज की सी कलगी मेरी, राजा का सा ढंग, मां की बहन मौसी, कैसा कलगी का रंग। हाँ तो प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, तुम भी बोलो मेरे साथ, ताज की सी कलगी मेरी, राजा का सा ढंग, मां की बहन मौसी, कैसा कलगी का रंग। हां तो बच्चों, कुक्कू ने जब दोबारा पूछा तो मौसी ने उसकी कलगी की तरफ सिर उठाकर देखा तो देखती ही रह गई। कुक्कू की कलगी तो मैले सफेद कपड़े की तरह मटमैली थी। उन्होंने आज तक किसी मुर्गे की ऐसी कलगी नहीं देखी थी। मौसी बोली, वारे बुद्धू राजा, ऐसा कहीं न देखा ढंग, धूल पड़ी हो सिर पर ऐसा कलगी का रंग। तो बच्चों, मौसी का ये जवाब कुक्कू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वहां से एकदम उठ गया और अपने मामा के पास जाकर पूछने लगा, ताज की सी कलगी मेरी, राजा का सा ढंग, मां के भाई मामा, कैसा कलगी का रंग। बोलो बच्चों, तुम भी बोलो, ताज की सी कलगी मेरी, राजा का सा ढंग, मां के भाई मामा, कैसा कलगी का रंग।
लेकिन बच्चों जवाब तो वही था जो कुक्कू की मौसी ने दिया था। वो बोले, वाह रे बुद्धू राजा, ऐसा कहीं न देखा ढंग, धूल पड़ी हो सिर पर ऐसा कलगी का रंग। मामा से भी वही जवाब सुनकर कुक्कू अब पहुंचा अपनी नानी के यहां। कहां पहुंचा? नानी के यहां। हां, और अपनी नानी से बोला, नानी नानी, ओ नानी, ताज की सी कलगी मेरी, राजा का सा ढंग, मां की मां नानी, कैसा कलगी का रंग। अरे बच्चों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम भी कुक्कू की तरह सब मिलकर बोलो, ताज की सी कलगी मेरी, राजा का सा ढंग, मां की मां नानी, कैसा कलगी का रंग। तो बच्चों, नानी और नाना दोनों को ही कुक्कू की मटमैले रंग की कलगी और इतनी अकड़ देखकर हंसी आ गई। नानी ने हंसकर कहा, वाह रे बुद्धू राजा, ऐसा कहीं न देखा ढंग, धूल पड़ी हो सिर पर ऐसा कलगी का रंग। तो बच्चों, नानी का जवाब सुनकर कुक्कू ने नाना की तरफ देखा और बोला, नाना जी तुम बताओ। नाना बोले, अरे मैं क्या बताऊं, तुम खुद जाकर तालाब के पानी में अपनी कलगी का रंग खुद देख लो। बच्चों, कुक्कू ने तालाब के पानी में जाकर अपनी शक्ल देखी तो हैरान, और तभी कुक्कू तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। अच्छा बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी। राम राम। Thank you.